नमस्कार, टीवी 9 भारत वर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात पाकिस्तान की। ब्रिस्बेन टेस्ट में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम को मिली, उसके बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो तकरीबन एक महीने पहले भारतीय टीम को खारिज कर चुके थे, अब भारतीय टीम को कर रहे हैं सलाम। और ऐसे खिलाड़ियों की जो फेहरिस्त है, उसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान के सबसे बड़े बयानवीर क्रिकेटर यानी शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर हर विषय पर अपनी राय रखते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, और भारत को लेकर जब वो अपनी राय रखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तल्ख रहते हैं कई बार। और ऐसा ही हुआ था जब एडिलेड में, आपको याद होगा, भारतीय टीम सिर्फ 36 रन पर आउट हो गई थी, जो 1932 से भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा यानी लोएस्ट स्कोर था। तब शोएब अख्तर काफ़ी ज़्यादा बोले थे, और यहाँ तक बोले थे कि क्रिकेट इंस्टाग्राम पे नहीं खेली जाती, क्रिकेट ट्विटर पे नहीं खेली जाती, क्रिकेट मैदान में खेली जाती है। और ये नसीहत उन्होंने दी थी किसको? भारतीय टीम को। अब 2021 जनवरी में वही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में रच चुकी है इतिहास। वही भारतीय टीम ब्रिस्बेन में, जिस ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की टीम 32 साल से नहीं हारी थी, वहां उसको टेस्ट मैच के पांचवें दिन 324 रन बनाकर हरा चुकी है, सीरीज जीत चुकी है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पर कब्जा कर चुकी है। और ये भारत की वो टीम थी जिसमें आधा दर्जन से खिलाड़ी ज़्यादा घायल थे, और ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास, गेंदबाजों की बात की जाए तो कुल मिलाकर था 9 टेस्ट मैच का अनुभव। अब शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं, ये मैंने बाकायदा नोट बना लिया है। अब शोएब अख्तर कह रहे हैं कि ये असल में राहुल द्रविड़ की जीत है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जो किया, जिस तरह से उन्होंने इंडिया ए टीम को, अंडर 19 टीम को नर्चर किया एकेडमी में, वो जीत है। उसके अलावा वो कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम की ये जीत इसलिए है क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जो ईमानदार हैं और जिन्हें पैसे से मतलब नहीं होता, जिन्हें मोटी मोटी तनख्वाहों से मतलब नहीं होता, बल्कि मतलब होता है भारत की क्रिकेट से। यानी इसका एक इशारा ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं उनको मतलब होता है अपनी तनख्वाहों से, ना कि क्रिकेट से। खैर, उसके बाद शोएब अख्तर ने तारीफ की रवि शास्त्री की। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल 21 साल के हैं, पंत 23 साल के हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की आंख में आंख डालकर बल्लेबाजी करने का या परफॉर्मेंस करने का आत्मबल किसी ने दिया तो रवि शास्त्री ने दिया, जिन्होंने कहा कि आप जाएं मैदान में और अपना स्वाभाविक खेल खेलें। और शोएब अख्तर ने, जी हाँ, वही शोएब अख्तर जिनका मैंने जिक्र शुरू में किया था इस वीडियो के, कि जो ये बता रहे थे कि भारतीय टीम को कि मैचेस जो हैं वो सोशल मीडिया में नहीं खेले जाते, अब वो ब्रिस्बेन टेस्ट की जीत को, भारत की ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत को, भारत की जो 3 सबसे बड़ी टेस्ट जीत है उसमें शामिल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये शोएब अख्तर इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो भारतीय टीम की तारीफ में पीछे जा रहे हैं, ऐसा ही हाल है रमीज राजा का भी, जो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, सलामी बल्लेबाज रहे हैं, और वो भी अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप स्टैटिस्टिकल देखेंगे या मेंटल देखेंगे, दोनों स्ट्रेंथ में जिस तरह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्ट्री में कुछ ऐसे मैच होते हैं जो, जिनको कहा जाता है कि ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाते हैं क्रिकेट को, हिस्टोरिकल हाइट पर ले जाते हैं क्रिकेट को, तो ये टेस्ट मैच जो था, ये टेस्ट सीरीज जो थी भारत की ऑस्ट्रेलिया में, वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट को ले जाएगी हिस्टोरिकल हाइट पर। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा इंजमामुल हक का। पाकिस्तान के बहुत दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, कप्तान रहे हैं, और बहुत संतुलित बात कहते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर भारतीय टीम की तारीफ करने की दिशा में आगे बढ़े हैं जो उस वक्त भारतीय टीम की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत शेयर करने लायक है आपसे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, यानी जिस तरह से उन्होंने 90 से ज़्यादा रन की पारी खेली, उसमें उनका स्ट्राइक रेट था 60 से ज़्यादा का। यानी भारतीय टीम मैच के पाँचवें दिन जब उतरी मैदान में और उसको 324 रन का लक्ष्य दिखाई दिया, तब भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के मन में ड्रॉ का विचार नहीं था। पहली गेंद से भारतीय टीम जो है ये सोचकर उतरी थी कि उसे ये मैच जीतना है। तो एक टीम जिसके आधे दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो चुके हों, एक टीम जिसमें जो गेंदबाजी यूनिट हो उसके पास कुल मिला जुलाकर 9 टेस्ट मैच का अनुभव हो, अगर वो पहले दिन पहली बॉल से पांचवें दिन की मैच जीतने की फिराक में है या मैच जीतने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस टीम को सलाम करना पड़ेगा। तारीफ राशिद लतीफ़ ने भी की है। राशिद लतीफ़ ने भी कहा है कि ये दरअसल जो कप्तानी का सिलसिला अजहरुद्दीन से शुरू हुआ था, जो सौरभ गांगुली तक गया, फिर धोनी से आया और फिर विराट तक आया, इन सब के पीछे, इस पूरी कामयाबी के पीछे उन्होंने भी
राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया और उन्होंने भी यही बात कही जो शोएब अख्तर ने कही थी कि चूंकि अंडर 19 और इंडिया ए खेलने की वजह से भारतीय खिलाड़ियों की जो पॉजिटिव अप्रोच, जो सकारात्मक सोच रही, वो इस सीरीज में जीत की वजह बनी। तो कुल मिला जुलाकर कहा यह जा सकता है कि वही पाकिस्तान की टीम जो एडिलेड टेस्ट मैच के बाद जिसके पूर्व खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट पर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर, भारतीय क्रिकेट टीम पर तलखियां कस रहे थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है कि दरअसल ये टीम ऐसी है जो घर में घुसकर मारती है। और कहीं ना कहीं जो ये वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज गया है, वर्ल्ड क्रिकेट में जो खलबली मची है भारत की इस जीत के बाद, उससे घबराया दिख रहा है पाकिस्तान।